अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PSL के मैच नंबर 20 में इस्लामाबाद ने पिशावर जलमी को इबरतनाक शिकस्त दे दी। पिशावर जलमी का शर्मनाक रिकॉर्ड, सैम अयूब की आज अच्छी बॉलिंग, शादाब खान के लंबे छक्के यहां पर दिखाए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं। अगर आप शादाब खान के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मेन टॉपिक की जानब। पॉइंट्स टेबल भी यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। पॉइंट टेबल पलट चुका है, यहाँ पर दो टीमें PSL सीज़न 9 से बाहर हो चुकी हैं। अगर हम बात करें टॉस की, तो पिशावर के कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ उनके लिए, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम ने 196 रन बनाए मकर्रा 20 ओवर में। शानदार बल्लेबाजी की गई शादाब खान की जानब से, जिन्होंने 80 प्लस रन की इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 8 छक्के भी लगाए। अगर हम बात करें जॉर्डन कॉक्स की, उन्होंने 26 रन, आगा सलेमान ने 37 रन की इनिंग खेली। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताते चलें कि अच्छी बॉलिंग की गई। सैम अयूब ने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट, टारगेट था 197 रन का, बहुत बड़ा टारगेट था। सैम अयूब और बाबर आजम ओपनर आए, सैम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, बाबर आजम भी रन आउट हो गए। बाबर आजम का रन आउट होना सभी को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस बात पर। आपके ख्याल में बाबर आजम अगर रन आउट ना होते, क्या ये मैच जीत पाती या ना? पिशावर जलमी लाजमी कमिट करें। बाकी कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाया। वाल्टर ने तकरीबन 40 प्लस रन की इनिंग खेली। तो यहां पर आप लोगों को पॉइंट्स टेबल अब शेयर कर देते हैं। मुल्तान सुल्तान पहले, क्वेटा दूसरे, पिशावर तीसरे, इस्लामाबाद चौथे, कराची और लाहौर की टीमें बाहर होती नजर आ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।